हेलो गाइस, स्वागत है आपका टॉपर्स साइंस दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपको द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट चैप्टर की समरी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहां पर होता कुछ है कि जो रिचर्ड है, रिचर्ड और उसका फ्रेंड एक आर्टिकल साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश करते हैं। ये इस वक्त 22 ईयर्स के हैं और ये पहली बार हो रहा है कि कोई कॉलेज स्टूडेंट जो है अपना रिसर्च वर्क पब्लिश कर रहा है, आर्टिकल जो है पब्लिश कर रहा है साइंटिफिक जर्नल में। ये बहुत बड़ी बात है। अब बात कर लेते हैं रिचर्ड के बचपन के बारे में। ये जो रिचर्ड है ये पेंसिल्वानिया यूएसए में पढ़ा हुआ है, वहीं से बढ़ा हुआ है, पल बढ़ के पढ़ा हुआ है। अपने माता पिता का इकलौता बच्चा है ये, और इसके साथ कोई खेलता नहीं था, इसलिए इसने क्या किया, रॉक्स, फॉसिल्स, कॉइंस, ये सभी चीज़ें इकट्ठा करनी शुरू की, और ये बटरफ्लाइज भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, इसकी हॉबी बन गई। जो रिचर्ड की मदर है वो उसे हमेशा इंकरेज करती थी, उसे हेल्प करती थी, उसे जो है ट्रिप पर ले जाया करती थी, उसके लिए टेलीस्कोप खरीद कर लाया करती थी और भी अदर चीज़ें, इक्विपमेंट्स खरीद कर लाती थी ताकि वो ग्रो हो, उसे मतलब हेल्प करती थी, इंकरेज करती थी, वो उसके वर्क में उसे हेल्प करती थी, उसे इंकरेज करती थी। फिर क्या होता है दोस्तों, एक बार जो है द ट्रेवल ऑफ मोनार्च एक्स नाम की एक पुस्तक जो है पढ़ता है रिचर्ड, और उसे वो इंस्पायर्ड हो जाता है और वो इसे साइंस की दुनिया में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है, और ये बुक जो है उसे बुक में बोला गया, रीडर से जो भी इस किताब को पढ़ रहा है उससे बोला गया कि आप स्टडी करिए बटरफ्लाई के माइग्रेशन में, कैसे वो माइग्रेट कर रही इधर उधर जा रही हैं, और इस तरीके से उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा इस सब चीज़ों में। और रिचर्ड जो है फाइनली एक साइंटिस्ट डॉक्टर उर्कहार्ट के कॉन्टेक्ट में आया इस बुक के ही द्वारा, जिन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया रिचर्ड को। फिर रिचर्ड ने ये डिसाइड किया कि वो बटरफ्लाई को रेस करेगा अपने घर में, बेसमेंट में, और वहाँ पे स्टडी करेगा इनके माइग्रेशन पैटर्न को। उसने फीमेल मोनार्च लेकर आया, मोनार्च क्या है, बटरफ्लाई की बात हो रही है, एक प्रजाति है बटरफ्लाई की, और उसके अंडे लेकर आए, ठीक है ना, उसके अंडे लिए मतलब उसे, और फिर उसके डेवलपमेंट को देखा कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है, फिर उनके विंग्स पर जब वो डेवलप हो गए तो उनके विंग्स पर जो है टैग कर दिया ताकि उसे वो मॉनिटर कर सके। फिर दोस्तों क्या होता है कि जो रिचर्ड, हम बात करते हैं कि वो कैसे साइंस फेयर में जीतता हारता है। रिचर्ड ने जो है फ्रॉक के स्लाइड्स को काउंटी साइंस फेयर में प्रेजेंट किया, लेकिन इससे वो जीत नहीं पाया एक भी अवार्ड। फिर उसने रियलाइज़ किया कि उसे कुछ रियल एक्सपेरिमेंट करना होगा, इसलिए उसने डॉक्टर उर्कहार्ट से सजेशन लिया और उसने एक अच्छा एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जिससे वो प्राइज जीत सके। तो दोस्तों आगे क्या होता है कि रिचर्ड जो है वो पता करना चाहता है कि क्या रीजन है वायरल फीवर का थाउजेंड्स ऑफ मोनार्च बटरफ्लाइज में। वो सोचता था कि ये बीटल के द्वारा हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में बीटल के द्वारा नहीं रहा था, लेकिन फिर भी उसको इसके लिए, इस एक्सपेरिमेंट के लिए वो जो है प्राइज जीत जाता है। फिर रिचर्ड जो है वो वॉइस रॉय बटरफ्लाई के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है, वो सोचता है कि उसने ये प्रूफ कर दिया कि जो वॉइस रॉय बटरफ्लाई है वो मोनार्च की कॉपी करता है। क्यों? क्योंकि वॉइस रॉय जो है बटरफ्लाई वो अपने आप को बचाना चाहता है बर्ड से, उसलिए वो मोनार्च की तरह कॉपी करता है, क्योंकि बर्ड्स जो है वो मोनार्च को नहीं खाती है। और ये प्राइज, ये जो प्रोजेक्ट है उसका, वो फर्स्ट प्राइज लेकर आता है जूलॉजी डिवीजन में, और ओवरऑल थर्ड प्राइज लेकर आता है काउंटी साइंस फेयर में। फिर जो है दोस्तों रिचर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है जानने के लिए कि क्या रीज़न है ये 12 गोल्ड स्पॉट्स हैं मोनार्च पूपा के ऊपर, ये क्यों है। तो वो और उसके फ्रेंड ने एक डिवाइस बनाया जिससे यह पता चला, जिससे यह प्रूफ हुआ कि जो स्पॉट्स हैं मोनार्च पूपा के ऊपर, मतलब वही बटरफ्लाई की बात हो रही है, वो इसलिए ताकि उससे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, और वो हार्मोन्स जरूरी होता है मोनार्च पूपा यानी बोलो बटरफ्लाई के डेवलपमेंट के लिए। और ये प्रोजेक्ट उसे फर्स्ट प्राइज दिलाता है काउंटी फेयर में, और वो इंटरनेशनल साइंस में भी चला जाता है, इंजीनियरिंग फेयर में भी जाता है जहाँ पर वो प्राइज लेकर आता है जूलॉजी में। तो अब आगे बढ़ते हैं, रिचर्ड जो है अब क्या कर रहा है, मोनार्च बटरफ्लाई के विंग्स से सेल्स ग्रो कर रहा है, और वो प्रूफ करना चाह रहा है कि जो सेल्स हैं विंग्स के ग्रो हो रहे हैं, ये तभी हो रहे हैं जब उनमें हम हार्मोन्स डालते हैं, और ये हार्मोन्स कहाँ से आते हैं, गोल्ड स्पॉट से आते हैं। और ये सभी चीज़ अपना काम जो है आर्मी लेबोरेटरी और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की लेबोरेटरी में कर रहा था ये बच्चा, ठीक है, ओके। अब जो है उसने और भी बहुत सारी चीज़ें की, उसने जो है केमिकल स्ट्रक्चर को भी पता किया हार्मोन का, और उसने एक नया आइडिया मिला सेल लाइफ के बारे में। अब जो है रिचर्ड वो डीएनए और सेल के बारे में
रिसर्च कर रहा था, उसने उसे यह बिलीव था कि ये जो है सेल्स जो है वो हमारे डीएनए को रीड करते हैं, और अपने दोस्त के साथ, रूममेट के साथ जो कि कॉलेज में था उसके साथ, जेम्स आर वोंग, उसके साथ उसने वर्क किया इस आइडिया पर ताकि वो इस चीज़ को प्रूव कर सके अपनी थ्योरी को। उन्होंने पूरा पेपर लिखा, अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया। तो दोस्तों अब रिचार्ड जो है वो ग्रेजुएट हो चुका है, सेकंड पोजीशन आई है उसकी, कितने बच्चों के बीच में, तो 1510 बच्चों के बीच में, और वो एक ग्रेजुएट टीच स्टूडेंट रिसर्चर बन चुका है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों वह अपने इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करना चाह रहा था, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट मैंने बताया उसको प्रूव करना चाह रहा था, लेकिन जो उसकी थ्योरी है उसने एक नया तरीका बना लिया जिससे वह कई तरह के कैंसर्स और डिजीज को वो खत्म कर सकता है, क्योर कर सकता है। ये रिचार्ड ने किया। रिचार्ड जो है साइंटिस्ट नहीं है, ये ऑलराउंडर बन चुका है, वो डिबेटर भी है, वो पब्लिक स्पीकर भी है, वो फोटोग्राफर भी है, आउटडोर पर्सन भी है, और ये सब चीज़ें इसमें हेल्प की है इसके सोशल स्टडीज़ के टीचर ने, जिन्होंने इसके इस हार्ड वर्क में उसकी साथ दिया, उसको बढ़ावा दिया है। ठीक है, तो अब रिचर्ड जो है उसके अंदर सभी क्वालिटीज़ हैं एक ट्रू साइंटिस्ट की, एक क्यूरोसिटी है, एक फर्स्ट रेट माइंड है, एक रेशनल माइंड है। तो ये था हमारा दोस्तों द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। तो यार इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, शेयर जरूर करना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नीचे कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, बाकी वीडियोस की चिंता मत करो, सारी वीडियोस, नई नई वीडियोस आएंगी, और हाँ अगर मैं क्वेश्चन कलेक्ट कर पाता हूँ तो क्वेश्चन भी आपको दूंगा, आपको उसके आंसर्स लिखने हैं खुद से। ठीक, तो भाई मिलेंगे आगे अगली वीडियो में, भी के लिए बस इतना ही, बहुत धन्यवाद।